जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अवंतीपुरा के गोरीपुरा इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। जी हां, न्यूज एजेंसी एएनआई ने सीआरपीएफ के 20 जवानों के शहीद होने की खबर दी है। वहीं 40 से अधिक जवान घायल हुए हैं। काफिले में 2500 जवान शामिल थे। बताया जा रहा है कि हमले में आईईडी का इस्तेमाल हुआ है। रक्षा अधिकारी ने हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। घायलों में से 45 जवानों की हालत बहुत गंभीर है। घायलों को श्रीनगर स्थित सेना के अस्पताल ले जाया गया है। सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रही बस को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया था। हमले में कई अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाकर किए गए आईईडी विस्फोट की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसे आत्मघाती हमला बताया है। बता दें कि यह हमला श्रीनगर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीआरपीएफ के डीजी आरआर भटनागर ने कहा कि जिस काफिले पर हमला हुआ उसमें 2500 जवान शामिल थे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और जांच जारी है। घायलों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमले के बाद सेना ने फिलहाल जम्मू कश्मीर हाईवे पर ट्रैफिक बंद करते हुए अवंतीपुरा और आसपास के इलाकों में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इससे पहले बुधवार को पुलवामा जिले के एक निजी विद्यालय में विस्फोट होने से कम 12 विद्यार्थी घायल हो गए थे। वहीं इतने गंभीर समय में केंद्र की मोदी सरकार ने इस घटना पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब कहां गया वो 56 इंच का सीना? ये मोदी सरकार में 18वां सबसे बड़ा हमला है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।